बुलंदशहर से रिशु कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। नियुक्ति पत्र मिलते ही खिले डॉक्टर्स के चेहरे। 31 डॉक्टर्स को बांटे गए नियुक्ति पत्र। बुलंदशहर में नियुक्ति पत्र मिलते ही खिले डॉक्टर्स के चेहरे। बुलंदशहर में डॉक्टर्स को बांटे गए नियुक्ति पत्र। 31 डॉक्टर्स को बांटे गए नियुक्ति पत्र। 31 डॉक्टर पूर्व सीएम कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में देंगे मेडिकल सेवाएं। इसी सत्र में शुरू होगा कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज नियुक्ति पत्र वितरण में डीएम विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रही। मैं डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, कितने डॉक्टर्स को बांटे गए हैं और उनकी कहां पर सेवा ली जाएगी? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जनपद बुलंदशहर में 31 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं और जो ये 31 डॉक्टर्स हैं ये बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से जो मेडिकल कॉलेज जनपद बुलंदशहर में स्थापित हुआ है उसमें अपनी सेवा देते हुए बुलंदशहर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करेंगे और जो हमारा गरीब वर्ग है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो एम्स की तरफ राह तकते थे, आज से अगर 10 साल पहले की हम बात करें तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज के नाम पे एक एम्स दिखाई देता था, परंतु अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जनपद में एक एम्स है। तो मैं आशा करती हूँ इन सब के कार्य से, इन सब की मेहनत से जनपद बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज एम्स की तरह निरंतर आगे बढ़े। किस कब ये शुरू होने वाला है, कितनी सीटें रहेंगी इसमें और पढ़ाई का क्या वो रहेगा? देखिए जनपद बुलंदशहर में जो ये मेडिकल कॉलेज है ये सिर्फ अपनी LOP का वेट कर रहा है, लेटर ऑफ परमिशन। तो LOP आने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे 100 बच्चे फर्स्ट ईयर में सबसे पहले भर्ती होंगे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक पेड़ बड़ा होता है उस रूप में ये एक बहुत बड़ा रूप मेडिकल कॉलेज लेगा। यहाँ नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, कितने स्टाफ को दिए गए हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने प्रोफेसर हैं? देखिए ये जो है एक बहुत लंबी चयन प्रक्रिया थी, बहुत निष्पक्ष वे में और बहुत पारदर्शी तरीके से यहाँ पर जो इंटरव्यू हुए थे वो जुलाई के महीने में लगभग 20 दिन इंटरव्यू चले थे जिसमें कि 53 फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी। 31 फैकल्टी मेंबर सिलेक्ट हुए हैं जनपद बुलंदशहर के लिए जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा यहाँ के हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग प्राप्त है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं और अपनी एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पर आ रहे हैं ताकि यहाँ के मेडिकल कॉलेज को एक बहुत मतलब उच्चीकृत किया गया है उसमें सच में अपना सही। सर आज कलेक्टेड सभागार में डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, ये कहाँ पर नियुक्त होंगे, किस तरह इनकी सेवा लीजिए? जैसा कि आप जानते हैं अपने यहाँ बुलंदशहर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और उसमें प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की और फैकल्टी की नियुक्ति हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में सभी जितने भी डॉक्टर्स तैनात हुए पढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज में सबको नियुक्ति पत्र बांटे हैं और जो बुलंदशहर में तैनात हुए हैं उनके, चूँकि ऑनलाइन इसकी पूरी स्ट्रीमिंग थी और ऑनलाइन प्रसारण था माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से और यहाँ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट सभागार से सभी को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। काफ़ी हैं, लगभग 40 से ऊपर डॉक्टर्स हैं और अभी जैसे जैसे फैकल्टी की और ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे नियुक्ति होती जाएगी।